कैसे हम फिर से आ चुके हैं न्यू ब्लॉक के साथ। तो आज के ब्लॉक की शुरुआत फटाफट करते हैं क्योंकि फिर फटाफट मुझे जाना है उधर। कहाँ जाना है वो आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। तो बहुत लेट हो चुका है और राइट टाइम जैसे तो अभी 11 बज रहे, मतलब 12 बजने वाली है, 11:45 हो रहे। तो फटाफट मुझे तैयार होना है, ठीक है। क्यों 11 बजे मैं उठा हूँ, इतना लेट उठा हूँ ना, मैं क्या बोलूँ मैं, मतलब ऑब्वियसली उठना पड़ेगा क्योंकि थकान थी कल जो हम लोग गाँव से आए थे, कल मुंबई से था आए थे ट्रेन में, रात को भी हेडेक हो रहा था तो उसकी वजह से ना अच्छे से नींद नहीं आई, तो थक गए थे, तो इसलिए आज हम लोग 11 बजे उठे। चलो कोई बात, अभी राइट में होता तो गाँव में, कल मुंबई से ये जो ब्लॉग है मुझे कल शुरू करना था यहाँ पर, बट शुरू नहीं कर पाया बिकॉज कल ना जल्दी जल्दी में ना, कल 5 बजे हम लोग उधर पहुँचे थे घर पर, तो उसके वजह से जल्दी जल्दी में ना ये ब्लॉग शूट नहीं हो पाया, कल फटाफट लोग उधर गए थे, तो आज भी वहीं जाना है। और तो भी हमारे यहाँ पर है ना, हम लोग मंदिर बनाया है एक नया सा, ज़मीन के अंदर से एक मंदिर निकला था तो उसको रेडी किया है पूरा, ठीक है। मुंबई से हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि उस मंदिर का ओपनिंग है कल, मतलब परसों ना यहाँ पर, अगर परसों आ जाता ना इधर तो आपको मस्त वाला एक दिखाता हूँ, मैं आपको क्लिप शेयर कर दूँगा। यहाँ पर है ना पूरे गाँव के लोग हैं ना, जो आंटी लोग होती है, मतलब सब लोग लेडीज़ लोग, तो वो सब लोग हैं ना अपने सर पर, मतलब पूरा मतलब घाव जा रहा था वो हंडी लेके, तो उनको दिखाऊंगा अगर क्लिक मिल गया ना मेरे को तो मैं आपको दिखाऊंगा। और वो कुछ कितनी हंडी थी वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा हंडी थी और उधर रखी हुई है मंदिर में, तो मैं भी जाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा। एंड रात को क्या दिखता है ना, मतलब वो भी मैं आपको दिखाऊंगा रात को। एंड यहाँ पर लाइट अप लगा रखी है, वो भी सही लगती है, तो वो भी मैं आपको रात को दिखाऊंगा। तो अभी उधर खाना है, ठीक है, तो आज उसका ओपनिंग था, अभी हम लोग गए थे रात को, तो आज भी जाना है, मतलब 9 दिन तक खाना हमारा उधर ही है। एंड देखते क्या रहता है आज का खाने में, ऑब्वियसली वही खाना रहेगा, और बहुत लोग आते, बहुत क्राउड था कल भी, ठीक है। तो आपको मैं लेके जाऊँगा, दिखाऊंगा एंड आके फिर आपको मिलता हूँ। सो गाइस रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग चौराहे पर है, जैसे हम लोग उधर ही जा रहे हैं मंदिर में, तो चाहते हैं आपको दिखाता हूँ मैं। Up all night by myself, trying to figure ways to you. Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain if we're speaking truth. Cause when the daylight comes, I still lose. So this is kitna zyada hi crowd hai, abhi to bahut kam lag raha hai. एंड सुनने में आया कि यहाँ पर जो एक मेला लग रहा था ना, पुलिस वाले ने पूरा निकाल दिया, जैसे तो सारा पुलिस वाले निकाल दिया, बोलता है कोरोना वगैरह चल रहा है इसकी वजह से। ये रहा मंदिर, क्या ही सजाया है इसको देखो, मतलब बोलने आ रहे हैं सब, ये आशीर्वाद लेंगे हम लोग, मत्था टेकेंगे एंड जाएंगे फिर मस्त एकदम अंदर से, एकदम एक नंबर से ज्यादा दिख रहा है अच्छा। यहाँ पर भी एक ये बनाया गया है, इधर ओम शांति होती है, ठीक है, लोग यहाँ पर बैठते अपनी ओम शांति कराते हैं। तो यहाँ पर देखो इतने सारे हंडी पड़े हुए हैं, यही सब लेके आए थे, तो अब क्लिप दिखा दूंगा मैं बाद में। देखो इतनी सारी हंडी है पर, यहाँ पर होती ओम शांति, मतलब देखो कितने सारे जो है वो है बैठ के कराते ना, और यहाँ पर भजन चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्राउड रहता है, रात को चलेगा शायद, या तो फिर आज ख़त्म हो गया है, सब सामान लेके जा रहे हैं आई थिंक, पता नहीं मुझे भी। और अपना खाना है उस साइड शायद, तो वहीं चलते हैं। तो वैसे रसोई इधर बन रही है, देखो तो यहाँ पर है पूरी दाल सब इधर ही बन रहे हैं, और देखो वो बना रहे लोग, तो पूरा मतलब यहाँ पर सारा खाना बनता है इतने बड़े खेत में, एंड खाना उस साइड है उधर। चल लापसी वापसी, देखो वो रनुंगती रनुंगती समझते होंगे, वो छोटे छोटे दाने लड्डू ऐसे, तो या चलो चलते हैं, चप्पल खोलते हैं और अभी करते हैं पुरगारी, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर और काम चल रहा है मार्बल का, ठीक है, घिसाई विसाई चालू है, और कुछ बनाना बाकी रह गया है, ठीक है।
तो दोस्तों ये रहा हमारा मंदिर जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है रात के समय में, और ख़तरनाक लगता है ये लाइट अप होने के समय, पूरे गांव में लाइट अप प्लस इधर लाइट अप, तो मैं रात को एक अच्छे से दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है देख सकते हो। और अगर इसकी खर्चे की बात करें इधर की लेबर खर्चा खाना पानी का तो बहुत ही ज़्यादा है, आपको सुना तो मैं आप सुन के हैरान हो जाइए, ठीक है। वहाँ पर देखो हवन चालू होने वाला है फिर से वहाँ पर, तो हम लोग वापस इधर आए देखने के लिए हवन, ठीक है। सो चलो चलते एक बार के लिए, सब लोग जो है जमा हो रहे हैं और दादा उधर बैठा है, किसके साथ बैठा है, चलो तो चले चलना, उलाया है उसने। वैसे तो ये वाला जो हंडी है ना ये बहुत ज़्यादा ही हंडी है, आपको मैं भी इंफॉर्मेशन लेके बताता हूँ। दादा इधर बैठा है देखो, मस्त पंडित बन के बैठा है, या कुछ बोलना चाहोगे यूट्यूब पे? नमस्कार, नमस्कार सर। धोती थोड़ा है, पजामा है वो, पजामा है वो, वीडियो बनाया क्यों, क्या मजाक कर रहा है? तो हम भगवान की फॉलो करेंगे, हम वीडियो नहीं बनाएंगे अभी, ठीक है। तो रखते हैं, बहुत ही जोर से आवाज चलने लगी अचानक से। देखो ये तो झुक गया नीचे, हे नाथ नारायण, बोलना चाहोगे? सो गाइस यहाँ पर जो ओम शांति होती है वहाँ पर पहले हमें चिट्ठी फाड़नी पड़ती है, वहाँ पर नाम लिखवाना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, रात को होता है शायद, एंड फिर यहाँ पर आना पड़ता है। मैं जो दादा भाई है वो बोल रहा है कि सुबह 8 बजे से बैठ के, सुबह से 8 बजे बैठने का और 1:30 बजे 1 बजे के आसपास इन्हें लोग छोड़ते हैं, फिर वापस नाश्ता करके फिर वापस बैठने का भी जो टाइम हो रहा है वो बज रहा है 2:19 हो रहे हैं, तो अभी बैठेंगे फिर से 6 बजे छूटेंगे इन लोग। तो देख सकते हो इतना लंबा लंबा ओम शांति होता है, बहुत बड़ा ओम शांति होता है, एंड जो जो बैठ रहे हैं ना उसमें जो जो ओम शांति करने गया है ना वो यहाँ से पहले अंदर है ना बहुत लकड़ी और वो जो गोबर होता है सूखा गोबर वो लेके जाना पड़ता है खुद को अंदर अपने। सो गाइस जो हंडी देख रहे हो ना ये कलश, ये यहाँ जाओगे ना तो सर आपको बताऊँ मैं, 2151 ये हंडी है, ये कलश 2151 है। तो इतने सारे अंडी, मतलब वो बोला था मैं गांव पूरा मिल के अंडी लेके जा रहे थे, वो यही है यहाँ पर आके रखा गया है, बहुत सारे सब पूरा घूमते जैसे। तो और मस्त वाइब है, एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है ये, ठीक है, मज़ा आ रहा है। बस यहाँ पर ओम शांति चालू है एंड न्यू है, छाव में बैठे हम लोग। सुबह मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर एक चक्कर मार के आता हूँ ऐसे, ठीक है। खर्चे के पानी है, मतलब कितना खर्चा हुआ यहाँ पर, यहाँ पर बहुत नॉइज हो रहा है, तो उधर जाके बात करता हूँ मैं गाड़ियों के साइड, थोड़ा कम नॉइज आए तो अच्छी बात है। सो ऐसी खर्चे की बात करें तो पूरा लेबर की सब कुछ, तो अगर बात करें लेबर की तो यहाँ पर पूरा बनाने का लेबर जो है 4 करोड़ तक गया है, एंड अगर खाने पीने की बात करें जो रसोई बनाता है उसकी बात करें तो उसका कम से कम 1 से 1.5 करोड़ तक उसका गया है। 9 दिन तक खाना उसको भी खिलाना है, सब सामान ना उसको, तो वो उसका 1.5 करोड़ रुपये गया। और एक्चुअली पूरे खर्चे की बात करी जाए तो 7-8 करोड़ तो पूरा यहाँ पर मंदिर में गया है, आप सोच सकते हो 7-8 करोड़। और जो उधर काम चल रहा है वो इधर के लिए चल रहा है, यहाँ पर देखो बाकी है यहाँ पर, तो उसके लिए चल रहा है। सो यहाँ बहुत अच्छा है, और आपको मैं रात को बताता हूँ कि रात को कैसा लगने वाला है, एक नंबर लगेगा लाइट अप होने के बाद, तो आपको रात को मैं अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। सो जैसे तो मैंने बोला था कि रात के समय में पूरे गाँव में लाइट लगा के रखी है, जैसे तो पूरी लाइटें लगा के रखी है, और हमने भी थोड़े अपने घर की लाइटें चालू कर दी है जिसकी वजह से थोड़ा और अच्छा लगे। सो जैसे तो पूरे गांव में लाइट लगी रखी, और तुम भी आ रहे क्या कटे जिम ने और माता दी? हां मेरे जिम के आ गए, ठीक है लाइट है।
दिखा दिखा मस्त तेरे तो इससे कुछ और आया जाए यहाँ से हमारा रास्ता है तो जैसे तो यहाँ पर मतलब जो एंट्री गेट है ना मतलब ये मंदिर का मतलब रास्ता है पर रास्ते में एंट्री गेट ऐसा मैंने बनाया ना इन लोगों ने मतलब देखो क्या ही सजा के रखा यार मतलब पूरे गांव में लाइटिंग करके रखी ना एक नंबर मज़ा आ गया मतलब ठंडी उड़ गई मेरा तो यहाँ से देखो यहाँ पर भी बहुत सारी लाइटिंग है पर हमको यहाँ जाना है यहाँ पर बहुत अच्छी लाइट अप करके रखी जैसे कि आप देख ही सकते हो सो बहुत मज़ा आ गया देखो कितने लोग जा रहे उधर सो यहाँ मतलब क्राउड तो हो गई ना भाई तो गाड़ी आना मना है यार मस्त बनाया यार इसने बोला था यहाँ पर ना पुलिस वाला आके मेला हटा दिया बट यहाँ पर मेला उल्टा चालू हो रहा है वैसे तो यहाँ पर बम्पर विम्पर लगाया जुगाड़ लगाया हम लोग ने भी और वहाँ पर भी थोड़ा झूला वूला बन गया है तो अभी पूरा रेडी हो रहा है सो तो यहाँ ये देखो यहाँ पर झूले झूल रहे गाँव वाले लोग जो यहाँ पर आके उछल रहे आपको मैं दिखाता हूँ बहुत क्राउड हो गया फिर से क्राउड ये देखो इनको देखो मौज कर रहे हैं इन लोग तो ये रहा हमारा मंदिर क्या ही लग रहा है तो क्या सेटअप करके रखा है मतलब सजा के रखा डेकोरेशन अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं फिर से अपना मट्ठा टेकने बाबे से आशीर्वाद लेने ठीक है सो चले चलते हैं क्या बनाया है यार मतलब तो ये रहा मंदिर देख सकते हो क्या ही मतलब बोलना पड़ेगा एक बार यार आपको मैं फ्रंट ऑफ व्यू से भी दिखाता हूँ एकदम अच्छे से ठीक है तो चलते हैं हम लोग अपना मट्ठा देखते हैं अंदर से भी मस्त सजा के रखा है एक नंबर तो अभी हम यहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं हनुमान जी है और अपने जो बाबू जी हो जाते हैं मस्त बना के रखा है यार ये जो अपना ओम शांति वाला है वहाँ पर जैसे कि मैंने बोला भंडप चल रहा है अपना भजन चल रहा है ठीक है यहाँ पर मस्त अच्छा वाला सजा के रखा है एंड या अपना भजन चल रहा है यहाँ पर देख सकते कितनी सारी पब्लिक है सुनने के लिए बैठी हुई है एंड ये रास्ता बंद हो गया भाई यहाँ से तो यहाँ से नहीं जा सकते हम लोग है शायद तो यहाँ पर चल यहाँ पर हमारा खाना बन रहा है जैसे कि मैंने बताया था सुबह कि यहाँ पर खाना बन रहा है तो हमारा खाना बनने वाला जो रसोई है ये हमारा किचन है यहाँ पर खाना बनता है देखो यहाँ पर सब पड़े हुए लकड़ी वकड़ी चूल्हे में डालते हैं एंड जलाते हैं और ऐसा ऐसा चूल्हा नहीं बहुत बड़ा चूल्हा देख सकते हो एकदम इतना बड़ा आपको दिख रहा है ये वाला चूल्हा है तो यहाँ पर ठंडी में मस्त उनको अच्छा उनको ठंडी नहीं लग रही है गर्मी गर्म भी लगती है भाई ईटे वीटे पड़ी एक्स्ट्रा देखो आग लग रही है बहुत वहाँ से जाने में गर्मी लग रही है इतनी बाज ले लेते हैं अपना दो बाज दो बाज दो दुनिया ले लिया है एंड चलते हैं अपना रास्ता अपना जगह ढूंढते हैं उधर बैठेगा ठंडा नहीं इधर
नाश्ते में वही सुबह वाला पूरी एंड ये अपना मीठा, ये हमारा मीठा नुंगती एंड ये थोड़ा तीखा वाला नुंगती है पूरी एंड ये इसमें दाल आएगा सोया वही सुबह से खाना खा लिया है ठीक है। अभी अभी आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ, देखो एक मिनट बैक कैमरा चालू हो गया उसको। ये जो झूला है ना गाइस, ये झूला ये हाथ से घुमाने वाला, इसने ना इसका जुगाड़ किया हुआ है, लकड़ी लगाया है ऊपर गोल गोल जैसे घूमता है, लकड़ी लगाया है और उसको घुमा रहे हैं तो ऐसा लगता है बहुत सारी हाथी हो यहाँ पर, हाथी खड़ी है और उनकी आवाज़ आ रही है, उन्हें चिल्ला रहे हैं। आपको दिखाता हूँ एक मिनट रुको, हमें चालू होगा तो सुनो आवाज़ ऐसा आवाज़ आ रहा है, अच्छी चीज़ भी एक्टिव कर रहा है लोगों को एक्टिव एक्टिव। I just wanna feel mine.